मैं समझता हूं तुम किस परेशानी से गुजर रहे हो, और इसीलिए मैं बिना स्क्रिप्ट के तुम्हें अपने भाई की तरह बताता हूं। तो सारे डिस्टरबेंस साइड में रखो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज हर एक नवयुवक के दिमाग में फिल्मों ने यह बैठा दिया है कि पुरुष केवल स्त्री के लिए बना है। एक लड़का बड़ा होता नहीं और उसे बस यही लगता है कि उसका पूरा जीवन सिर्फ एक लड़की के पीछे भागने के लिए है। एक लड़की जवान होती नहीं और उसे सिर्फ इतना ही पता होता है कि उसकी पूरी जिंदगी एक लड़के के लिए निछावर हो जाएगी। आज आप लोग परेशान हो, और इसका एक बड़ा कारण है कि हम लोगों ने दो चीजों को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है, और जो कि बाहर से आई हुई बातें हैं। हमने सेक्स को बहुत बड़ी चीज बना दिया है, पूरे जीवन का मुद्दा हमें सिर्फ यही लगने लगा है, और दूसरा एक पुरुष को केवल स्त्री ही अपना पूरा जीवन लगती है। यही हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, और इसी पर आज मैं तुमसे बात करने वाला हूं। मैं जानता हूं तुम किस परेशानी से गुजर रहे हो, समझता हूं, लेकिन जो बातें बताऊं ने बहुत गहराई से स्वीकार करना, और पूरी वीडियो में ये कहीं दिमाग मत लगाना कि पवन भाई ने सेक्स या और चीजों के लिए हाँ कर दी है। नहीं, गलत वे में मत ले जाना वीडियो को। देखो, हम लोगों ने सेक्स को इतनी बड़ी कीमत दे दी है कि जीवन के जो ऊंचे काम थे उन्हें आज हम नहीं कर रहे। अपने दिमाग में ये बैठा लो कि सेक्स कर लूंगा बस, इससे ज्यादा ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। पॉर्न भी देख लूंगा, ठीक है देख ली, पर ये मेरा पूरा जीवन नहीं है। शादी भी करूंगा और एक वाइफ भी घर में आएगी, ठीक है, पर वो वाइफ पूरा जीवन नहीं है मेरा। गर्लफ्रेंड भी अब बना लूंगा, मित्रता भी रख लूंगा लड़कियों से, पर वो पूरा जीवन नहीं है। गर्लफ्रेंड भी बन जाएगी अगर गर्लफ्रेंड चाहेगी, और मैं भी चाहूंगा तो हम सेक्स भी कर लेंगे, लेकिन बस सेक्स ही तो है, इसमें क्या पहाड़ बना रखा है। पहले इतना ज्यादा हम फिल्मी नहीं थे, और ये सब फिल्मों के ही कारनामे हैं। बच्चा बड़ा होता नहीं, बस वो अपने जीवन का उद्देश्य केवल एक चीज बनाता है, लड़की। लड़की बड़ी होती है, उसके पूरे जीवन का उद्देश्य रहता है एक पुरुष। इन दोनों की भागदौड़ केवल एक चीज के पीछे होती है कि किसी दूसरे की देह मिल जाए, और इस छोटी सी चीज में ही अपना पूरा जीवन समाप्त कर ले। सब सेटल होना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, बस सिर्फ सेटल होना चाहते हैं, और ये मानसिकता बाहर से समाज की वजह से डल रही है। जीवन की ऊंचाई तो आज कहीं दिखी नहीं रही, कोई ऊंचाई पाना नहीं चाहता, और जब शादी हो जाती है फिर बैठकर रोते हैं, पर उस समय पछताने का कोई भी फायदा नहीं होता। फिर बाबाओं के पीछे भागते हैं और वगैरह वगैरह समाधान ढूंढते हैं। अगर तुम्हारी लत पॉर्न की है तो मेरे भाई पॉर्न भी देख लो, पर देखते टाइम उत्तेजित मत हो, इतना ज्यादा एक्साइटेड मत रहो। किसी भी चीज के प्रति एक्साइटेड रहो तो केवल जीवन की ऊंचाई के लिए। पॉर्न भी देख रहे हो तो ये दिमाग में खुद के बैठाए रखो कि सामने स्त्री है, पुरुष है, और मैं पॉर्न देख रहा हूँ, ठीक है बस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं होश खो जाऊंगा, पूरा जीवन नहीं है ये मेरा। अब यहाँ बात समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि ढील दे रहा हूँ कि जाओ पॉर्न देखो, नहीं, बता रहा हूँ कि अगर पॉर्न की लत है तो इस तरह से देखो, समाज में किसी भी चीज की इतनी औकात ना हो कि वो तुम्हें उत्तेजित कर पाए, एक्साइटेड कर पाए। यहाँ मैं नपुंसक बनाने को भी नहीं कह रहा, ऐसी एक्साइटमेंट जो तुम्हें बेहोश कर दे। तुम खुद जानते हो जब तुम इन चीजों के पीछे भाग दो क्या तुम्हें होश रहता है, और जब ये चीजें कर लेते हो तो फिर कैसे होश आता है, और जब होश आता है तो उदासी, फिर पता चलती है मैंने क्या कर दिया, है ना। तो अब बहुत हुआ, शादी भी करोगे, तुम्हें कोई साधु नहीं बनना, सही शादी भी करोगे, सेक्स भी करोगे और सही सेक्स करोगे, लड़कियां मित्र भी बनेंगी, सही लड़कियां मित्र बनेंगी, लेकिन ये सब भी बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये चीज तुम्हें दिमाग में रखनी है। कभी लड़कियां गुजरे या तुम लड़कियों के मित्र हो तो ये दिमाग में उसी वक्त याद रखना कि वो मेरी तरह इंसान है लेकिन मेरा पूरा जीवन नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है वो। सेक्स अगर मैं कर भी लूंगा तो इसके लिए मैं क्यों बवाल उठा रहा हूँ, इसके लिए मैंने अपना पूरा जीवन जो दे रखा है ये कर क्या रहा हूँ मैं। जब ये उम्र चली जाएगी तब ये हार्मोन्स भी जा चुके होंगे, तब इतनी उत्तेजना नहीं होगी, और जब इतनी उत्तेजना नहीं होगी तो तुम्हारे पास केवल जीवन को पीछे मुड़कर देखने के सिवा कुछ नहीं होगा, और जब पीछे मुड़कर देखोगे तो पता चलेगी कि ऊंचाई तो जीवन में कुछ लाई नहीं, बस कमाया खाया और बस। और ये तो हर कुत्ते बिल्ली भी करते हैं, हड्डियां उन्हें भी चाहिए, खाना उन्हें भी ढूंढना है, ढूंढ लेते हैं और जिंदा है, सर्वाइव कर रहे हैं,
और यही आज समाज हमारा करवा रहा है, क्योंकि समाज का हर एक व्यक्ति भी अज्ञानी है, तो अज्ञानता की वजह से वो हमें ये सब परोस रहे हैं और हमें पता भी होता है, लेकिन फिर भी हम वो सब चीजें खा रहे हैं। जितना हम समाज से जुड़े रहेंगे, यानी सोशल मीडिया और बाकी बाहर के समाज से, उतना तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक ही उद्देश्य रहेगा, लड़की लड़की, और अगर लड़की हो तो लड़का लड़का, बस। गाने होंगे तो सिर्फ लड़की के लिए, लड़का गा रहा है। फिल्में होंगी तो हैप्पी एंडिंग भी होगी, तो सिर्फ लड़के को लड़की मिल गया, हैप्पी एंडिंग। आइटम सॉन्ग वगैरह वगैरह, ना जाने क्या क्या, किस किस तरीके से, बस एक चीज दिखाई जाती है कि यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है और इसी से तुम्हें खुशी मिलेगी, और यही सबसे बड़ी हम गलती करते हैं। अब थोड़ा और आईना साफ कर दूं, जो हीरोइन जो अभिनेत्री तुम्हें उकसाती है, तुम्हें क्या लग रहा है उनके हस्बैंड उनसे खुश हैं? तुम्हें क्या लग रहा है उनके हस्बैंड को ऐसा लगता है वो दुनिया के सबसे, संसार के सबसे खुश इंसान है? नहीं। आप भी ये जानती हैं कि इन लोगों के कितने डिवोर्स होते हैं और एक के बाद एक बस वाइफ और हस्बैंड बदलते रहते हैं। सभी को नहीं कर रहा, पर ध्यान रखो जो तुम्हें उत्तेजित कर रही है, जो तुम्हें उत्तेजित कर रहा है, उसको भी तो देखो, सच्चाई भी तो नहीं दिखा रहे। अपने जीवन में केवल एक चीज को एक्साइटमेंट के साथ जोड़ो या कुछ भी करो, पर सबसे बड़ा एक चीज को मानना है, हर दिन अपने जीवन की प्रोग्रेस, हर दिन जीवन को कल से बेहतर बना रही हो या नहीं, हर दिन कल से बेहतर जी रही हो या नहीं, हर दिन कल से बेहतर खुद में इम्प्रूव कर रही हो या नहीं, हर दिन तुम कल से बेहतर कुछ सीख रहे हो या नहीं, केवल यही चीज तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। इसके सिवा जीवन में कोई भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी वाइफ आ जाए तो उसकी बेकदरी कर दो, या माँ बाप को नजरअंदाज कर दो, उनके दुखों को नजरअंदाज कर दो, नहीं। जब तुम खुद को कल से बेहतर बनाओगे, तो जो इंसान खुद को बेहतर करना जानता है वही अपने जीवन साथी को बेहतर कर पाएगा और वही अपनी फैमिली को भी बेहतर कर पाएगा। पर वो तभी बेहतर कर पाएगा जब वो जान पाएगा कि मुझे जीवन में करना क्या है। जब भी तुम सोशल मीडिया में देखो कुछ भी जो तुम्हें उत्तेजित करे, तो दिमाग में रखना कि ठीक है कर लूंगा, ये लड़की है ठीक है, वाइफ भी आ जाएगी ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है मैं पूरा पूरा दिन और ना जाने कितने साल में आज तक जो दे रहा हूं और आगे की साल भी देता हूं। नहीं, इतनी बड़ी चीज कोई है ही नहीं। और ये बात तुम जानते भी हो, आकर्षण बाहर नहीं होता, हमारे अंदर होता है। अगर मैं तुम्हारे शरीर से टेस्टोस्टेरोन और कुछ हार्मोन्स निकाल दूं, तो तुम चाहकर भी लड़की की तरफ खींच नहीं सकते। क्या तुमने कभी देखा है कि एक लड़की दूसरी लड़की की तरफ आकर्षित होती है? उनके लिए तो वो लीचड़ कीचड़ हैं, एक दूसरे से जलती फिरती हैं। और लड़कों का भी यही हाल है, एक दूसरे से क्यों आकर्षित नहीं है? अगर वाकई में कोई इंसान आकर्षित है तो पूरे संसार में सब उससे आकर्षित होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा तो नहीं है। कोई मिस यूनिवर्स भी है तो भी कोई लड़की उस दूसरी लड़की मिस यूनिवर्स से शादी नहीं कर सकती, चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, क्योंकि वो आकर्षण आएगा ही नहीं। तो ये बात भी आप जानते हो कि आकर्षण बाहर की चीजों में नहीं है, वो तो प्रकृति ने जन्म के साथ ही हमें वो चीज दे रखी है, और उसे जब निकाल दो तभी आकर्षण खत्म हो जाता है। तो ये तो एक मौसम के हिसाब से भी चल रहा है। तो जब जीवन के बाकी पड़ावों पर चलोगे, जब उम्र ढलना चालू होगी, तब जीवन में सिर्फ एक चीज तुम्हें बेहतर जीवन देगी, वो क्या? वो आज की प्रोग्रेस, आज का बेहतर होना। और उसमें सब चीजें आती हैं, बेहतर खेलना, बेहतर एंजॉयमेंट करना, बेहतर मूवियां देखना, बेहतर किताबें पढ़ना और बेहतर जीवन जीना, सब कुछ आता है। और जब तुम खुद को बेहतर करने में लगोगे, तब एक बेहतर इंसान भी तुम्हारे जीवन में अपने आप आएगा। तो इसके लिए इतना भागदौड़ करना सही नहीं। हम सब इस रास्ते से गुजरे हुए हैं और आज भी आप गुजर रहे हो। ये आकर्षण बस सर पर चढ़ा होता है और इसका कारण है हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारा समाज। लेकिन हम समाज को नहीं बदल सकते, बस अपने निर्णय को बदल सकते हैं। हमें किस चीज के लिए हाँ करनी है और किस चीज के लिए ना करनी है, यही हमारे जीवन को निर्धारित कर देता है। हम किस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और किस चीज को इग्नोर, यही चीज हमारे पूरे जीवन को निर्धारित कर देती है। तो कुछ भी अगर लत है, करते वक्त भी ये याद रखना कि इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए मैं उत्तेजित हो रहा हूं। जब ये मेंटालिटी, जब ये होश आएगा, समय तो लगेगा, काफी समय लग सकता है, 6 महीने, 1 साल, लेकिन करते टाइम होश में रहोगे, और जब होश रहेगा तो उसकी व्यर्थता को भी देख पाओगे। हम व्यर्थता तभी नहीं देख पाते जब हम बेहोश यानी उत्तेजित होते हैं। फिर हमें सामने वाली ना तो स्त्री स्त्री लगती है, बस हमारी उत्तेजना का एक समान। लेकिन अगर तुम सेक्स को या अस्तमेथुन या पोर्न को भी अगर होश में देखोगे, तो ज्यादा समय तक उससे चिपक नहीं पाओगे। और ध्यान रखना, उदास बिल्कुल मत होना कि वीर बहा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इतनी बड़ी चीज नहीं है। पूरा जीवन पड़ा है ऊंचाई पाने के लिए, वो महत्वपूर्ण है।
और जब उसके पीछे लगोगे तो ये चीज अपने आप होती चली जाएगी, ये आप समझ रहे हो ना? यही समझना है। और मैं जानता हूं आप परेशानी में हो, जिस तरह से आप कमेंट आ रही है सुसाइड की जो बोल रहे हो, जानता हूं दुखी हो मेरे भाई, लेकिन शुरुआत करो। मैं जानता हूं कुछ दिन बाद ये मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बात, ये लाइन खत्म नहीं होनी चाहिए कि अगर पॉर्न भी देख लो या कुछ भी कर लो तो करते वक्त भी दिमाग में रखना कि इसकी इतनी औकात नहीं कि ये मुझे बेहोश कर पाए, होश में करूंगा। और जब होश में करोगे तो उसकी व्यर्थता देखोगे, और जब देखोगे तो आज नहीं तो 6 महीने तो 1 साल बाद तुम उसकी व्यर्थता पूरी तरीके से समझ जाओगे, फिर तुम्हारे जीवन की सही यात्रा शुरू होगी। उम्मीद है इस वीडियो से आपको समाधान जरूर मिला होगा। बस याद रखना, ये वीडियो मोटिवेशन लग सकती है, हो सकता है 4 दिन 5 दिन 6 दिन बाद तुम ये भूल जाओ, लेकिन इस लाइन को बिल्कुल मत भूलना। कोई भी चीज हो, चाहे दोस्त तुम्हें हंसा रहे हो, चाहे कोई मूवी देख रहे हो, चाहे कोई कॉमेडी वीडियो देख रहे हो, चाहे कहीं भी बैठे हो, अगर बेहोश, उत्तेजित हो रहे हो, मगन हो रहे हो, खुद को भूल रहे हो, तो बस ये दिमाग में याद रखना कि ये जो मेरे सामने हो रहा है इसकी इतनी औकात नहीं कि ये मुझे बेहोश कर पाए, होश में देखूंगा, होश में करूंगा। जो भी, केवल हस्तमैथुन की बात नहीं कर रहा, सब कुछ। कॉमेडी वीडियो देख रहे हो, ठीक है देख लो होश में, फिर तुम देख भी पाओगे कि वक्त बर्बाद हो रहा है, और फिर सही चीज कर पाओगे, चुनाव तभी कर पाओगे। वहां वीडियो नहीं जीतेगी, वहां बस ये चीज जीत पाएगी कि तुम होश में देख रहे हो। वैराग्य इंसान को तभी हो पाता है जब होश होता है। उस होश की वजह से ही तो स्वामी विवेकानंद बने, उस होश की वजह से ही गौतम बुद्ध जागे। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।